चुनाव में ऊंट गिज करवट बैठता है, इसका इंतजार सभी नेताओं को खूब रहता है। लेकिन इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें ऊंट के गलत वक्त पर करवट ले लेने से नेताजी मुसीबत में फंस गए। लोग इस वायरल वीडियो का खूब मजा ले रहे हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट ऊंट की पीठ से जमीन पर धड़ाम से गिरने वाले ये नेता बीजेपी के उम्मीदवार राजस्थान से हरीश सिंह हैं, ऐसा दावा कुछ लोग कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि ये नेता कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश सिंह हैं और ये घटना चुनाव प्रचार के दौरान घटी है। फेसबुक पेज करेजियस इंडिया समेत कई यूजर्स ने ये वीडियो पोस्ट किया जिसे हजारों हजारों लोग शेयर कर चुके हैं। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी पड़ताल में इस दावे को पूरी तरह से गलत पाया है। ये वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान का नहीं है, ये घटना हुई जरूर थी लेकिन राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में और एक शादी समारोह के दौरान। हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो पिछले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी वायरल हुआ था, हालांकि उस समय इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाई जा सकी थी। लेकिन इस बार इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम अफवाह ने न केवल इस वीडियो की डिटेल्स को ट्रैक किया बल्कि वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की। वीडियो पर मौज मस्ती के लिए हिंदी गाने का एक ट्रैक लगा दिया गया है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट। इसे ध्यान से देखने पर इस पर टिकटॉक आईडी नजर आएगी। इसे सर्च करने पर हमने पाया कि यह आईडी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से लिंक की गई थी। हमने इस आईडी वाले व्यक्ति से संपर्क साधा जिसका नाम नदीम है और वीडियो की जानकारी उससे मांगी। नदीम ने हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी लेकिन एक अहम सुराग हमारे हाथ जरूर लग गया। नदीम ने हमें बताया कि वीडियो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऊंचाहार के नज़दीक सवाया हसन गाँव में शूट किया गया था। हमने गूगल मैप्स की मदद से सवाया हसन गाँव के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो हमारी टीम ने ये पाया कि ये गांव नेशनल हाईवे नंबर 30 पर रायबरेली से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस गांव के स्कूल और मस्जिद की कुछ तस्वीरें और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिले। इनमें कुछ तस्वीरें मक्का मस्जिद की थी जिसके साथ इन्हें पोस्ट करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी हमें मिल गया। हमने इस नंबर पर फ़ोन किया तो फ़ोन मुंबई में रहने वाले अल्ताफ ने उठाया। अल्ताफ ने इस बात की पुष्टि की कि वो सवाया हसन गांव का रहने वाला है और मुंबई में नौकरी करता है। जब हमने उससे इस वीडियो के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये वीडियो उसी के गांव का है। वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अल्ताफ ने हमें अपने दोस्त अजमेन खान का नंबर दिया। अजमेन ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति वकील अहमद खान है। उसने बताया कि जब ये हादसा हुआ उस समय वो भी वहाँ पर मौजूद था। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम ने अजमेन खान से जब पूरी जानकारी हासिल की तो अजमेन ने हमें बताया कि उसके गांव के लोग कौशाम्बी ज़िले के शहजादपुर गांव में बारात लेकर गए थे। वहीं पर जब वकील साहब ऊंट पर बैठे तो औंधे मुंह गिर पड़े और इस मज़ेदार वाकये को वहां मौजूद किसी शख्स ने शूट कर लिया। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम ने अपनी पड़ताल में ये पाया है कि ये वीडियो तो सही है लेकिन वीडियो में किया जा रहा दावा कि ये चुनाव प्रचार के दौरान का है गलत है और ये शख्स बीजेपी या कांग्रेस किसी का भी उम्मीदवार नहीं है।